श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री श्रावण शिव महापुराण दूसरे दिन की कथा नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यह कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं और बहुत अच्छी जानकारी दी है। 3 पत्र पढ़े गए हैं, 6 महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और 5 महा उपाय बताए गए हैं। पहली जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप मिश्र ने बताया कि शिव मूर्ति और शिवलिंग में क्या अंतर होता है। दूसरी जानकारी दी है कि भगवान शंकर के नाम में ही क्यों ईश्वर लगा हुआ है। तीसरी जानकारी देते हुए घर का शिवलिंग और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर होता है। चौथी जानकारी दी है कि जिंदगी में दुख क्यों आता है, आपका दुख कौन दूर कर सकता है। पांचवी जानकारी दी है कि पराया धन और पराई स्त्री दोनों विनाश कर देते हैं। छठवीं जानकारी देते हुए कि सावन के महीने में 2 लोटे जल का उपाय बताया गया है। 5 महा उपाय बताए हैं। पहला उपाय बताया है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल मिलता है। दूसरा पशुपति व्रत का उपाय बताया गया है। तीसरा सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया गया है। चौथा शिव मंदिर जाने का उपाय बताया है। 1 लोटा जल का आचमन और बेलपत्र का उपाय बताया गया है। शिवलिंग और शिव मूर्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। शिव मूर्ति की मूलता नहीं होती है, शिवलिंग की मूलता होती है। आपके दिल की बात, अपने दिल की बात जब हम शिवलिंग से जाकर कहते हैं तो भगवान सुनता जरूर है। भगवान को पुकारने के लिए क्या बहुत तेज चिल्लाकर बोलना चाहिए, भगवान को रिझाने के लिए हमें बहुत तेज बोलने, या शिव महापुराण कहती है कि ना हमें तेज बोलने की जरूरत है, हमें सिर्फ अपने मन की बात भगवान शंकर से कहना चाहिए। जब हम अपने दिल की बात भगवान शंकर से कहेंगे तो भगवान सुनता जरूर है। भगवान शंकर के आगे ईश्वर जुड़ा हुआ है। कपिलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, उसके पीछे ईश्वर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा शिव का कोई नाम नहीं जिसमें ईश्वर शब्द का प्रयोग ना किया गया हो। जिसके नाम के पीछे ईश्वर शब्द सिर्फ शिव के नाम के पीछे लिखा हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे शब्द के शिवलिंग के पास बैठ जाओ या उसके पास से गुजर जाओ तो भगवान शंकर उसके मन की बात समझ लेते हैं। इसलिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। ईश्वर शब्द जुड़ा है। मंदिर के अंदर नहीं जा सकते तो मत जाओ। 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाओ। शिव दर्शन कर सकते हो तो करो, नहीं तो शिखर के दर्शन करके भी आ सकते हो। अगर वहां तक भी नहीं जा सकते तो बस भगवान से मन की बात कहना चालू कर दीजिए तो भगवान सुनता जरूर है। इसलिए ईश्वर शब्द उसी में लगता है। जब जैसे महादेव हमारे मन की बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर हमारे दिल की बात सुनते हैं। नर्मदा पुराण की कथा में स्पर्श किया गया है कि मंदिर के पास से निकल जा रहे हैं तो यहाँ एक पुराना शिव मंदिर है। तो मैं अगर आपके घर के पास एक पुराना शिव मंदिर है तो मैं भी कभी दर्शन करने जाऊंगी। आप शिवालय में पहुँचे या ना पहुँचे, बस आपने अपने मन की बात अगर शिव से कही है तो भगवान सुनता जरूर है। शिवलिंग जहाँ होगा शिव सुन लेता है। आपने दिल से याद कर लिया तो शिवलिंग आपकी कामना पूरी करेगा। शंकर के मंदिर में शिवलिंग होता है, उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं या नहीं? तुम्हारे घर के पास जो शिवलिंग है उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जिंदगी में बहुत अंधकार है तो मेरे महादेव मिटा देंगे। नाम महादेव का जो दिल से लिया जाएगा, मेरे महादेव उन्हीं को प्यार किया करते हैं। शिवलिंग का मतलब है ज्योति देने वाला, उजाला देने वाला। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख घेर रखेगा, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख आता है। दुख राम जी को भी आया है, दुख शिव जी को भी आया है, दुख सीता मैया को भी आया है। एक चीज है जो तुम्हारे दुख को मिटा सकती है, 1 लोटा जल जो शिव को चढ़ाया गया है। तो हाथ की लकीर के दुख भी आपकी जिंदगी से चले जाएंगे।
पूरी जिंदगी आपकी ऐसी ही चली जाएगी। तो आपने मंदिर की अगर सफाई की है, एक लोटा जल चढ़ाया है, तो बाबा आपका हाथ जरूर पकड़ लेता है। आज तक मेरे भोलेनाथ ने मुझे उन्नति की सीढ़ी में चढ़ाया है। भगवान शंकर को जल चढ़ाना और उसकी भक्ति को धारण करना, भगवान शिव तुम्हारा सारी समस्या दूर कर देता है। तो आप एकांत में बैठकर भी शिव को याद कर सकते हैं। जहाँ चाहो वहाँ बैठो और अपने मन से भगवान को भजो, शिव सुनता जरूर है। विश्वास, शिव पर भरोसा करते हैं, दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, विनय करो, बाबा से सुनता जरूर है। एक विश्वास एक भरोसा शिव पर करके देखो, मिलता जरूर है। घर में शिवलिंग कैसा भी हो, शिव पर किया गया भरोसा, शिव पर किया गया विश्वास काम आता जरूर है। शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं होता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, भगवान शंकर अपने आनंद के साथ विराजते हैं। माता पार्वती शिव जी की आराधना में लीन, जलंधर माता का स्वरूप देखकर मोहित हो गया। पर कहते हैं ना कि पराई स्त्री और पराए धन पर कभी नज़र नहीं डालना चाहिए, दोनों विनाश का कारण होती है। जलंधर ने माता पार्वती को देखा, माता पार्वती अपने पूजन में लगी हुई थी। मन में रखकर जाना, जब भी शिव मंदिर जाए मन में रखकर जाना कि दुनिया के लोग देखे तो तुम किसी को मत देखना, दुनिया के लोग आपको देखे पर आप किसी को नहीं देखना, कि हमारी दृष्टि गलत हो। अपने आप को प्रबल बनाओ, सनातनी एकजुट होकर चलने की जरूरत है। जलंधर ने राहु को बुलाया और विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ कहने लगा। राहु ने पूछा, विवाह किसका विवाह? तो कहने लगे कि शंकर की, शंकर जी भगवान, शंकर भगवान की धर्म पत्नी से हमें विवाह करेंगे। जलंधर के क्रोध को देख राहु को जाना पड़ा। श्रावण का महीना, भगवान शंकर के पूजन की तैयारी कर रही थी माता पार्वती। श्रावण के महीने में दो लोटा जल, पार्वती के दोनों हाथों में दो लोटा जल। शंकर भगवान ने देखा माता के हाथ में दो लोटा जल है। माता पार्वती शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, पार्वती भगवान शंकर की आराधना में लीन। भगवान के दरवाजे पर हर हर महादेव, हर हर महादेव का नाद हुआ। नाद होते ही शिव के कानों में आवाज आई, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। राहु कह रहे हैं, प्रस्ताव लाए हैं? पार्वती जी ने के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। शिव का क्रोध आया और रुद्रगण प्रकट कर दिए। राहु आगे और रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहे हैं। शंकर की भक्ति में जो शिव आराधना में डूबा रहता है, वे शंकर की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे अपने आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए शंकर की आराधना हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। उसके आगे लिखनी